तो दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजेस्टिक मानस मोड। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी हम आ गए रायबरेली महोत्सव में, और फिर से रायबरेली में एक नया महोत्सव लगा है, उसकी पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ की पूरी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे ये चौथी नंबर का स्टॉल लगा हुआ है गेट से आते हैं। यहाँ पर भैया की मूर्तियाँ देख सकते हैं आप लोग, कितने एंटिक पीसेस लगे हुए हैं। भैया उत्तराखंड से आए, भैया से ही पूछते हैं इनके बारे में। भैया कुछ बताइए आपकी मूर्तियों के बारे में। ये मेटल की बनी होती है। किस चीज़ की? मेटल की। अच्छा, ये वाली, ये भी मेटल का है। अच्छा, ये भी मेटल है। और ये चीनी मिट्टी के हैं गणेश जी। चीनी मिट्टी के। अच्छा, और संगमरमर वगैरह के? संगमरमर। अच्छा अच्छा क्या प्राइस होगा इसका? 2000 है। 2000 ये पेयर में है। 2000 पेयर। ये 2000 का पेयर है। अच्छा, ये 1600 का पेयर है। तो ये कहाँ से बन के आ रहा है माल? ये दिल्ली से आता है। अच्छा, दिल्ली से आता है। और इसका जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो उत्तराखंड का है क्या? नहीं नहीं, हम बेच रहे हैं बस। अच्छा, बेच रहे ना, मतलब उत्तराखंड नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे टहलते टहलते हम लोग आ गए ड्राई फ्रूट्स के कॉर्नर पर। देख सकते हैं आप लोग कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स हैं, और आइए दिखाते हैं हम आपको कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे। थोड़ा आगे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपके पहाड़ी इलाकों से होते हैं, जो वैष्णो देवी हम लोग लेने जाते हैं, कश्मीर लेने जाते हैं, वो सब यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग टहलते टहलते आ गए हैं यहाँ पे पॉट्स के सेंटर पे। आइए दिखाते हैं आपको, जरा आप आगे आगे चलिए, आप कब दिखाइएगा हम बोलते जा रहे हैं। जैसे कि जैसे बताइए प्राइस वगैरह क्या बताएं। बताइए कॉफ़ी मग के देखो 70 का एक है। कितने का? 70 रुपीज़ का वन पीस है। 80 रुपीज़ का वन पीस है। अच्छा, इसमें क्या अलग अलग, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता थोड़ा सा। अच्छा, बाकी इसमें 100 वाला भी 150 वाला भी, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा टेन। हाँ, एक पीस आएगा। एक पीस माइक्रोवेव सेफ है। अच्छा, बाकी इसमें सेफ है ये? हाँ, माइक्रो ओवन में है, जितना भी ये है ना प्रोजेक्ट, सब माइक्रो ओवन में चलेगा। अच्छा, वाले हैं। अच्छा, ये 100। हाँ, ये 200 के 6 हैं। अच्छा, ये 250 के 6 हैं। मीडियम साइज 300 के 6 है, कॉफ़ी वाला। अच्छा, टी कॉफी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं शॉप नंबर 60 में, और यहाँ पर भी लगी हुई साड़ियाँ दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और ये साड़ियाँ कहाँ कहाँ से, पहले तो आप ये बताइए। ये हमारी कलकत्ते से आती है, सूरत से आती है, बनारस से आती है। अच्छा, मतलब जितने भी जहाँ जिस स्टेट की साड़ियाँ थे आपके यहाँ सब मिलेंगी? जी, हमारे अच्छा। हर राज्य की साड़ियाँ मिलती है। थोड़ा प्राइस बता दीजिए सबसे मिनिमम कितना? मिनिमम प्राइस है तो 250। हाईएस्ट? हाईएस्ट प्राइस है 650। अच्छा जी, काम वाम बढ़िया है साड़ी में? ऐसा तो नहीं कि धुलने बेकार हो जाए? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सब हमारे घर का दुकान है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो भाई आइए, 60 नंबर दुकान है, देख लीजिए आके साड़ियाँ यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आ गए शॉप नंबर 45 पर, और यहाँ पर देखिए रजैया वगैरह लगी हुई हैं। ये कहाँ से आई भैया आपकी रजैया? मुरादाबाद से। अच्छा, और गरम वरम कर रही रजाई कि नहीं? क्या प्राइस है? 2000 रुपये। अच्छा, कुछ साथ में और कवर? हाँ, इसके साथ बेडशीट भी है। अच्छा, बेडशीट भी है, सिंगल बेड? डबल बेड। डबल बेड। तो ये मुरादाबाद से आए हुए हैं, इनके रजैया वगैरह के साथ ये दे रहे हैं बेडशीट वगैरह। आइए, शॉप नंबर 45 है, आके लीजिए आके जल्दी से।
तो दोस्तों देखते देखते हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये महिलाओं का स्टॉल लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, गुजराती लहंगा चोली का स्टॉल है। और ये लोग गुजरात से भी आए, कच्छ से आए, कच्छ गुजरात से आए हुए हैं। और मने तो बहुत सरस लागे छे, आप लोग देखो कैसा है भैया, बताओ जरा अपना थोड़ा सा। देखिए हमारे पास गुजराती स्टॉल है, गुजराती साड़ियाँ हैं, कॉटन के बंदेज के, कॉटन के सूट हैं, सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। और भाई को आराम से सब्सक्राइब वगैरह करिए, और आपको लिए हमारी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी रहेगा हमारी तरफ से व्यूवर्स के लिए। और एक बार आइए ज़रूर यहाँ पर हमारे पास, देखिए अच्छी अच्छी न्यू न्यू वैरायटी क्वालिटी सबको मिलेगी आपको। कुछ और गुजराती में बता दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो बद्धा हमने मारा पाए स्वागत है, और तुम्हारा बद्धा हाथ आया हमें आया अच्छे, और आओ तुम्हारे तुम्हारा स्वागत करो बैठा चाहिए, और मैं शॉपिंग करो हमारा पाए अभी। जय माता दी, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर गुजराती में, जितना हमको समझ में आया। आइए यहाँ पर लीजिए, और कपड़ा वपड़ा बढ़िया लग रहा है, और इसमें कलाकारी भी गुजराती तरीके से करी गई है, जो गुजराती पैटर्न को शो करता है, और हैंड वर्क है जैसे कि आंटी बता रही हैं, तो आइए लीजिए ज़रूर, हैंड वर्क है तो बढ़िया है यहाँ पर। ऐसा जरा मैंने बताओ कि आपका क्या क्या व्यंजन है यहाँ पे। गरम गरम तो है। मैं राजस्थान से आया हूँ भैया, मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिला। अच्छा, मैं मावा की कचौरी है, प्याज वाली कचौरी है, दाल की कचौरी है, मिर्ची वड़ा है, मूंग दाल पकौड़ी है, गाजर का हलवा है, दाल बाटी चूरमा है। अच्छा, दावेली है। और गुजराती दावेली है। अच्छा, और आपके राजस्थान का घेवर नहीं है क्या? घेवर ले लेके आए भैया। अच्छा, घेवर थोड़ा देखने का बनता है किस तरह का होता है, कभी देखा नहीं। चलिए फिर आपका ये प्राइस वगैरह कुछ बता दीजिए, कैसा है कचौड़ी वगैरह? हमारे प्याज की कचौरी, दाल की कचौरी और मूंग दाल की पकौड़ी, मिर्ची बड़ा, इनकी 30 रुपीज पर प्लेट है। अच्छा, मावे की कचौरी, मावे की कचौरी 40 रुपीज है। अच्छा, दाल बाटी चूरमा 100 रुपये प्लेट है, गाजर का हलवा 50 रुपये प्लेट है। तो भाई ये है राजस्थानी व्यंजनों की थाली, देखते मुंह में पानी आ गया, हम वीडियो बंद करते, पहले हम जाते खाने की ओर, फिर आप लोग को और बात बताते।